कहा जाता है कि शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ हर बच्चा शिक्षित हो वह देश सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के करीब 1000 प्राइवेट स्कूलों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि बीते दिनों हाई कोर्ट ने इन 1000 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी कर बंद करने की बात कही है। जिस संबंध में संचालकों पर स्कूल को गैर मान्यता प्राप्त तरीके से चलाने की बात कही, वहीं संचालकों ने आज साइबर सिटी गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सर रीना यादव, प्रिंसिपल हूँ मैं खुद का। मेरा अपना स्कूल है चैतन्य किड्स प्री स्कूल से मैं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी शॉर्ट फॉर्म में कि जो गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, पहले सरकार उनके लिए व्यवस्था करती, उसके बाद हमारे पास लेटर भेजती, उसके बाद ये हमारे ऊपर तलवार लटकाती कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो। हम बिल्कुल छोड़ देते सर, अगर पहले ये हमारे पास तलवार लटकी है ना, जो ये पहले इन बच्चों का भविष्य सुधार देती। आज बच्चे पढ़ते हैं सर मेरे पास लगभग 200 बच्चे हैं, 200 से 250 बच्चे चैतन्य किड्स प्री स्कूल। नहीं सर मेरा केवल थर्ड फोर्थ क्लास तक है, वो भी पेरेंट्स की वजह से मैं थर्ड फोर्थ तक लेके आई हूँ अपना स्कूल। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगी जब पेरेंट्स हम पे इतना विश्वास करके अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं, और सारे सर मेनली बिहार यूपी और राजस्थान के जो वर्कर हैं उनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है, मैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस लीसा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या कुछ मुद्दे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज्वलंत मुद्दा तो ये है कि जो स्कूलों को अवैध कहकर, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल कहकर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि इनको बंद किया जा रहा है, उसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये सर्वथा गलत है। ये स्कूल अवैध नहीं है, ये सरकार के रिकॉर्ड में है। MIS पोर्टल इनको मिला हुआ है, UDIS कोड इनको मिला हुआ है, ये SLC काटते हैं और राइट टू एजुकेशन के अपेंडिक्स 1 की शर्तों को पूरा करते हैं। उस पर जमीन की कहीं कोई शर्त नहीं है, 1 room 1 class की शर्त है जिसको ये पूर्ण करते हैं। इसलिए इनको अवैध कहना और गैर मान्यता प्राप्त कहना सर्वथा गलत है। कितने स्कूलों का नोटिस जारी किया गया है? इन्होंने 1083 की बात कही, लेकिन कोर्ट में अब जाकर ये 962 या 75 स्कूल ऐसे के ये सिमट गया मामला जाकर। क्या सभी कौन सी क्लास तक के स्कूल हैं ये? ज्यादातर 8 तक के स्कूल हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वैध स्कूल कहे जा सकते हैं। इसे अनरिकॉग्नाइज क्यों कहा जा रहा है? अनरिकॉग्नाइज तो ये कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे, मतलब क्या कुछ बात रख रहे हैं वो? वो तो ये कह रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट जो उन्होंने और जारी करना है, जो नियमों के अनुसार हम पूर्ण करते हैं। अब जारी करने की जो पावर है वो सरकार के पास है। अब सरकार अगर हमारे साथ भेदभाव करे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, हम तो अक्सर ये कहते हैं कि सरकार को नियम बनाने की पावर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी स्कूल भी चलाती है। इसलिए अपने सरकारी स्कूलों को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट स्कूलों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार करती है, जबकि कानून स्पष्ट कह रहा है कि अपेंडिक्स 1 में 1 room 1 class से मान्यता दी जाए, लेकिन ताकत इनके पास है, ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे, बस इतना सा फर्क है। सर क्या ये मुद्दा ये तो नहीं, क्योंकि लगातार अभिभावकों की भी शिकायत रहती है कि स्कूल में मनमानी फीस वसूली जा रही है, अपने अनसन वो लगा देते हैं कि फंड इस तरह से। देखो ये जो स्कूल जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये बहुत कम फीस पर चलते हैं और ये उन अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के हैं। इनमें 200, 300, 400, 500, 600, 700 वाला तो शायद कोई स्कूल होगा ही नहीं, और हिंदुस्तान में 750 की फीस वाले 50% स्कूल हैं पूरे। ये गलत अभिभावकों में ये भ्रम फैलाते हैं कि स्कूल लूटते हैं, इनकी तो बहुत कम फीस है। उसमें भी अगर किसी के दूसरा बच्चा उसको कंसेशन दे देते हैं, ज्यादा बच्चे उनको कंसेशन देते हैं, बहुत सारी छूट के अभिभावकों को और देते हैं। तो आपने कभी किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करी? हमने अधिकारी सबसे बात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से 3-4 बार मिलकर बात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा भी आपका काम करेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने बुलाने का कष्ट नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कई बार कहा, हम अनिल विज जी को साथ लेकर गए शिक्षा मंत्री को, उन्होंने भी कहा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उसके बाद भी हमारी चीज पे गौर नहीं किया, जबकि इलेक्शन से पहले घोषणा पत्र में इन्होंने हमारे से वादा किया। और इलेक्शन से पहले शिक्षा मंत्री जी कहते थे, मेरे साथ तो जेल में भी मिलने आए, वहां भी कहा कि आपकी सारी समस्याओं में आपके साथ है। जब हम कांग्रेस से लड़ा करते थे तब कहते थे साथ है, विपक्ष में रह के बहुत अच्छा बोलते थे, पक्ष में आते ही इनकी थोड़ा सुर जो है वो बदल गए। इनसे तो अच्छा पिछली सरकार थी जो कई बार बुलाकर हमें बहुत सारी हुड्डा साहब ने राहत दी, लेकिन खट्टर साहब ने तो एक बार भी बुलाने की जहमत जो है नहीं उठाई। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे कि क्यों नहीं करना चाहते हो? पेच कहाँ फंस रहा है? देखिये पेच इनके माइंड सेट का है, ये क्या सोचते हैं? वादा तो इन्होंने किया हुआ था,
घोषणा पत्र में हमने तो लिखा नहीं था, इन्होंने वादा किया था, क्या इनका काम यही है कि घोषणा पत्र में कर दें और उसके बाद वादा ना निभाएं? और विपक्ष में रहते हमेशा हमारी बातों को बड़ा प्रोत्साहित करते थे कि आप बड़ा अच्छा स्कूल चला रहे हैं। उस समय जब हम हुड्डा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे तो आके हमारे साथ खड़े हो जाते थे कि पहली कलम से आपका काम कर देंगे, और अब वो कलम पता नहीं उन्होंने कहाँ खो दिया या इनके पास है नहीं। मामला कोर्ट में है, आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम कोर्ट में भी अपना जो है पूरा पक्ष रखेंगे और वकीलों को भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे अपनी सारी सच्चाइयां, क्योंकि अभी तक हम उस पर पार्टी नहीं थे, अब हम भी जाकर उस पर कोर्ट पे पार्टी बने हैं कि भी हमारे पास ये चीजें हैं, हम जज साहब के सामने भी रखेंगे और सरकार को भी। अभी भी हम एक बार कहते हैं कि अगर सरकार हमारा साथ देने को तैयार है तो हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो फिर अगले चुनाव में फिर हम भी सरकार के साथ उसी तरीके का व्यवहार करेंगे जैसा सरकार हमारे साथ करेगी। सरकार किस तरह की डिमांड कर रही है, अगर पांचवी क्लास की बात करें, आठवीं, किस तरह से रूल मांग रही है, कितने कमरे का साइज होना चाहिए, किस तरह की लैंड होनी चाहिए? देखो, कमरों का तो साइज पहले ही तय हो रखा है कि 120 10 बाई 12 का कमरा जो है वो प्राइमरी तक, मैं नियमावली कमेटी का सदस्य था, उसमें तय हुआ हुआ है। अब ये जानबूझकर लोगों को राहत ना दे तो राहत देने का काम इनका, ये राहत देने को तैयार ना हो। इन्होंने पीछे भी मीटिंग में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आपकी कमेटी बना दी जाएगी, आज तक वो कमेटी नहीं बनी। खट्टर साहब ने मुझे करनाल भी कहा दो बार, एक बार भिवानी में भी कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। अब करना तो इन्होंने, हम तो जाकर अपनी गुजारिश ही कर सकते हैं, हमने बहुत बार गुजारिश की, हम एक बार फिर करने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो कितना बोझ पड़ेगा, कितने जो बेरोजगार होंगे, जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ? तो अगर 5,000 स्कूल बंद होते हैं तो 1,00,000 शिक्षक जो है उसमें कम से बेरोजगार हो जाए, नहीं 1,00,000 नहीं 5,000 में आप 20 से कम लगाए तो 20 से 5,000, हाँ 1,00,000, 1,00,000 शिक्षक इससे बेरोजगार होते हैं। और दूसरा, शिक्षा हमारे आम आदमी पे भी बजट बढ़ेगा, क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को जाना पड़ता है जहाँ बच्चे नहीं जाना चाहते, वहाँ पर एक बच्चे पे 6,000 से 8,000 रुपया प्रति माह खर्च हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। आज ये स्कूल 200, 300, 400, 500, 600 में बच्चों को पढ़ाई करा रहे, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी दे रहे, वो क्वालिटी एजुकेशन से भी वंचित हो गए। अगली रणनीति क्या रहने वाली है? अगली, हम कोर्ट में तो केस हमने कर ही दिया है, और अगर सरकार नहीं मानती तो पुरजोर इसका विरोध किया जाएगा। मैं परिचय दे, आपका नेम और डेजिनेशन? मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं भी एक स्कूल चला रही हूँ। मैं ये क्वेश्चन सरकार से करना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? क्या ये कारण बताओ अभियान शुरू नहीं करना चाहिए? अगर इतनी सुविधाएं हैं तो हमारे ऑफिसर्स के बच्चे बड़े बड़े मान्यता प्राप्त स्कूलों में क्यों जाते हैं, जिनमें 15,000 रुपए महीने की बच्चे की फीस है, उसमें क्यों पढ़ाए जाते हैं? हमारा ये सवाल गवर्नमेंट से, इसका जवाब हमें दे। क्या लगता है अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, जो यहाँ पर टीचर्स काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह की? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सवाल हम कर रहे हैं कि उन बच्चों के बारे में भी तो सोचें, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? अब जैसे हर स्कूल में 200 या 300 बच्चे जरूर हैं सर, और इतने सारे स्कूलों की संख्या हम लोगों ने आप लोगों को बताई, क्या सरकार ने उन बच्चों के लिए कुछ सोचा है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ना वो सरकारी स्कूल में जा सकते हैं। सोचो, सरकारी स्कूल हमारे यहाँ 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और 3 साल का बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता। कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी उस बच्चे की? अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस बच्चे की? कब से आप जवाब दें? सर, मैं 2009 से स्कूल चला रही हूं। तो जो नियम है उसको आपके स्कूल पूरा कर रहा है? जी बिल्कुल पूरा कर रहा है, हर एक नियम पूरा कर रहे हैं। एक जो नियम नहीं पूरा होता है वो एक रिक्वायर्ड लैंड एरिया है सर, जो भी गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड लैंड एरिया का जो नॉर्म लगाया हुआ है। एक मिनट, हाँ जी, आपका नेम एंड डेजिनेशन? मेरा नाम अनुराधा है, हाँ जी, मैं भी एक स्कूल चलाती हूँ। तो जो नोटिस मिला है उसमें किस तरीके की डिमांड रखी गई है? उसमें सबसे पहले लैंड एरिया आता है कि आप पांचवी तक चलाते हो तो 500 गज मिनिमम, और आप 10वीं तक चलाते हो तो 1,000 मिनिमम। तो ये जो है, जो भी है, जो है, मतलब हाँ। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या एक साधारण आदमी जो चाहता है कि मैं खुद भी एक रोजगार पाऊं और दूसरा व्यक्ति भी, मैं 2-4 लोगों को रोजगार दूं, तो क्या वो, जहाँ पे गुड़गांव लीजिए जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वो 500 गज की जमीन पहले वो 50,00,000 में खरीदे? कितने लोगों के पास 50,00,000 होंगे एक स्कूल खोलने के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक पूंजी किसी अमीर आदमी के हाथ से निकल के दूसरे अमीर आदमी के हाथ में जा रही है,
स्कूल खोलने पे, क्योंकि अगर वो 50 लाख लगा के स्कूल खोलेगा तो हाई फीस रखेगा, तो फिर वो जो लो पेड सैलरी पेरेंट्स हैं वो उस स्कूल में जाएंगे। गवर्नमेंट में सरकार पढ़ाई देती नहीं है, हाई स्कूल में बड़े बड़े स्कूलों में वो जा नहीं सकते। क्या इससे पहले आपको नोटिस मिला है? कोई नोटिस नहीं मिला, अभी तो नोटिस नहीं मिला है, बट ये है कि जितने भी स्कूल्स को नोटिस मिला है हम उनके साथ हैं।